हेलो एवरीवन, ये जो सेटअप हमने डिज़ाइन किए हैं इसका नाम है IR रिमोट बेस्ड रोबोटिक फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, तो सपोज जहां आग लगा है, जहां ये क्या ह्यूमन एक्सेस पॉसिबल नहीं है, वहां हमने एक रोबोट भेज के उसको बुझा सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं फायर को। ओके, तो इसमें मेनली हमने एक रिमोट यूज किए हैं, ये वायरलेस में काम करेगा। दिस इज़ IR रिमोट। ओके, दिस इज़ IR सेंसर, उसका आउटपुट कनेक्टेड टू पिन 8। ओके, देन 9, 10, 11, 12 कनेक्टेड टू मोटर ड्राइवर। ओके, देन मोटर। ओके, ये रोबोट चलाने के लिए। देन यहाँ अगर यहाँ मोटर यूज करें तो ये आपको एक्सटर्नल पावर चाहिए, मैंने आपको अडेप्टर लगाना पड़ेगा यहाँ। ओके, देन ऑलरेडी हमने ये जो कोड है ऑलरेडी हमने लोड कर दिए हैं। दिस इज़ द ये सीरियल मॉनिटर। हमने यहाँ जो भी की प्रेस करेंगे, जो भी फंक्शन आएगा, वो फंक्शन यहाँ इसमें शो करेगा। ओके, सपोज अभी क्या लिखा है, अभी पॉम्प है, मैं अभी सपोज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वहाँ फॉरवर्ड आएगा, 1 मारने से फॉरवर्ड होगा। अभी रोबोट चला, ओके मोटर चला, अभी यहाँ आ जाएगा फॉरवर्ड, देखिए फॉरवर्ड। ओके, तो ये जो आपको कोड्स हमने देंगे उसको साइड पे कमेंट्स लाइन आएगा, किस लाइन किस के लिए हमने यूज किए हैं, ताकि आपको नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के लिए आपको इजी होगा। ओके, तो ऐसे ही 1 फॉर फॉरवर्ड, 2 फॉर बैकवर्ड, ओके 3 फॉर लेफ्ट, 4 फॉर राइट, 5 फॉर स्टॉप। ओके, कि अगर आप चाहे जहाँ फायर एक्सटिंग्विश करने, सपोज वहाँ तक रोबोट पहुँच गया, तो आपको ये 6 प्रेस करने क्या होगा, पंप चलेगा। ओके, वहाँ 1 सेकंड के लिए टाइम दिए हैं, यहाँ 6 प्रेस करते ही 1 सेकंड तक चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। देखिए, दिस इज IR रिमोट कंट्रोल रोबोटिक फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, तो इसमें हमने LCD कनेक्टेड नहीं किए हैं। ओके, आप चाहे तो इसको कनेक्शन दे सकते हैं, वहाँ जैसे सीरियल मोटर जैसा नोटिफिकेशन आ रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट यहाँ भी शो करेगा। आप चाहे तो यहाँ कोडिंग में डाल सकते हैं, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, अगर इस सेटअप के बारे में कुछ डाउट्स है, क्या कुछ काम नहीं किया, तो आप मुझे ये इस वीडियो के नीचे कमेंट लाइन में पूछ सकते हैं, हम उसको वहाँ रिप्लाई दे देंगे आपको।